Hey guys, subscribe and press the bell icon to never miss a video. Hey guys, welcome back to the video. और आज हम जा रहे हैं पहलगाम। इस स्कूटी को हम छोड़ेंगे और हिमालयन लेंगे। और ये अपना होटल था पीछे, अब देखो कैसा अजीब सा लग रहा है स्कूटी के साथ। अच्छा ले। और ये होटल है मेपल इन, ठीक है, मतलब काम चला हुआ है, मतलब फुली रिकमेंड नहीं करूँगा बट ओनर अच्छा है। ओनर अच्छे हैं यहाँ के, थोड़ा रूम तो ऐसे ही है टाइम पास, अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा तो आ जाओ, ऐसा टाइप हमारा लास्ट मिनट का प्लान था इसलिए ऐसा हुआ। सो अभी हम इसको चेंज करके हिमालयन लेके और जाएंगे। सो अभी हम फ्यूल डला रहे हैं, हिमालयन लिया है, इसमें फ्रंट वाइजर नहीं है तो थोड़ा नेक लुक है। 600 जनाब, कहाँ लगाम तो लगाइए, बस 12 काट लेना उससे, काट से ही होगा। 600 बोला था जी, जी जी। ₹812 लगभग 8 लीटर पेट्रोल आया है। और अभी फटाफट पहलगाम निकलेंगे, ऑलरेडी लेट हो गए हैं, 11 बज चुके हैं, तो फटाफट निकलते हैं। सो गाइस राइट नाउ वी आर नेविगेटिंग थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ श्रीनगर। यहाँ से सीधा है और यहाँ पे बाय द वे सिग्नल फॉलो नहीं हो रहा है, काम भी नहीं कर रहे क्योंकि वरना पीछे वाले हॉर्न बजाएंगे। ऐसा नहीं हम फॉलो नहीं करना चाहते बट ये भी मजबूरी होती है, पीछे वाले गालियाँ देते हैं, जल्दी निकलो जल्दी निकलो। और हमारी राइडिंग गियर देख के बहुत लोगों की नज़र आ रही है। तो गाइस अभी हम लोग हैं सैफ्रॉन फील्ड में और ये सारी सैफ्रॉन की फील्ड आई गाइस। और यहाँ पे देखो बहुत सारे केसर के दुकानें हैं जहाँ पे कश्मीरी केसर मिलता है ओरिजिनल। तो अगर आपको कश्मीरी केसर लेना है तो ये है श्रीनगर जम्मू हाईवे में, और मतलब कैंप के सामने लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा अगर आप श्रीनगर से जम्मू जा रहे हैं। और ये सारी सैफ्रॉन की फील्ड हैं जो भी आपको दिख रही हैं। तो पूछते हैं क्या चक्कर है केसर का। तो अभी हम केसर की शॉप में आए हैं, काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं यहाँ पे, एप्रिकॉट वगैरह जो मिलता है जम्मू का, आपको बताइए यहाँ पे जो मिलता है श्रीनगर में फेमस है। तो छोटी छोटी डिब्बी 1-1 ग्राम की हम लेने आए हैं फिलहाल, ज़्यादा नहीं। और इसके बाद फटाफट पहलगाम निकलेंगे। पॉलिन होते हैं इसके आगे, एक जो है क्या कहते हैं उसको, केसर की पॉलिन, हिंदी बोल पहले से दवाई छिड़क देते हैं ना, फिर पूरा ड्राई करके लाते हैं, उसके बाद ऐसा होता है वो जब फूल उठाते हैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ, वो डायरेक्ट नहीं रख सकते सर, वो तो फिर 1 महीने भी नहीं टिकेगा। ये आप साल रख सकते हो, लेकिन आपको करना क्या है, अब यहाँ पे आके आप बहुत सारी चीज़ें ले सकते हो। ये रास्ते में ही पड़ेगा जब आप श्रीनगर से जम्मू आएंगे, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खेत है, 4 किलोमीटर के खेतों में यहीं पे मिलेंगे आपको। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे जो दिख रहे हैं सेब के बगीचे हैं। और अभी हम पहलगाम पहुंचने वाले, लगभग 20-25 किलोमीटर दूर है शायद। और ये
लेफ्ट में जो भी दिख रहे हैं सेब के बागान है, और राइट में भी। आज सुनसान है रास्ता, टूरिस्ट काफ़ी कम दिख रहे हैं, या तो वो पहले जा चुके हैं मेरे को लग रहा है, और हम ही लेट जा रहे हैं ऐसा लग रहा है मुझे। सेब के बगीचे अभी थोड़ी लगेगा, तो सर्दियों में लगते हैं ना। तो गाइस हम ये बहुत ही सुंदर सी जगह पे आए हैं, और ये देख सकते हैं आप राइट साइड पे आर्मी का टैंक जा रहा है, मतलब बख्तर बंद गाड़ी। और अभी हम सोच रहे हैं आज ही पहलगाम से वापस निकल जाएं, अगर जल्दी फ्री हो जाएंगे। ज़्यादा जगह नहीं देखेंगे क्योंकि हमने पहले से देखी है ये चीज़ें, और आगे भी ऐसे ही होगा। एक मिनी स्विट्ज़रलैंड है, वहाँ तक जाएंगे, फिर वहाँ से मे बी हम वापस चले जाएँ। तो आपको आई होप रोड का मज़ा आया हो, और आगे भी दिखाएँगे आपको। एक वैली है मिनी स्विट्ज़रलैंड, वहाँ जाएँगे अभी थोड़ा खा वा के। 1:30 बजे है, बहुत जल्दी पहुँच गए हम लोग, मुझे लगा टाइम लगेगा ले के हिसाब से, पर नहीं लगा। और ये देखो एकदम राइडर प्रोवाइडर। बाकी चलते हैं, हिमालयन अच्छी है, अच्छी परफॉर्म कर रही है, थोड़ी खड़क रही है इसका सस्पेंशन, बट रेंटल बाइक में क्या कंप्लेंट करना। सो अभी चलते हैं फटाफट पहलगाम। ये ही व्यू है जिसके लिए बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर, बहुत ही मस्त व्यू। साउथ के लोगों को ऐसा व्यू ज़्यादा देखने को मिलता नहीं है, बट हिमाचल वगैरह में हम लोगों को मिलता रहता है ऐसा व्यू। हाँ देखो कितने सारे घोड़े पे जा रहे लोग, तो आपने घोड़ा ही घोड़ा घोड़ा ही घोड़ा। और क्या, हमारा घोड़ा हमारे साथ है। ओहो बहुत टूरिस्ट है यार यहाँ तो। होटल हिल व्यू, टूरिस्ट तो हर जगह पहुँचे हुए हैं यार, लोग जा कहाँ रहे हैं घोड़े से। साइड में लगाते हैं, सोचते हैं कहाँ जाना है। मेन सिटी तो बहुत क्राउडेड है। अच्छा ऊपर होगा शायद। कहाँ लगाएं, आगे? ये लोग घोड़े से यहाँ कहाँ से रहे हैं? सो गाइस अभी हम लोग बीच में रुके हैं थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे खा के फिर हम लोग निकलेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली हम वापस चले जाएंगे जहाँ तक मेरा परफॉर्मेंस बन रही है अभी। और यहाँ हर रेस्टोरेंट में इतनी भीड़ है यार कि मैं क्या बोलूँ। यहाँ भी वेटिंग चल रहा है गैस, है ना। चला पूछते हैं, लग रहा है मुफ्त का खाना मिल रहा है जैसे, फ्री का खाना। बहुत ही ज़्यादा भीड़, पर ये निकल रहे हैं। सो गाइस फाइनली वी आर हियर एट पहलगाम, और यहाँ पे अभी हम एक होटल में बैठे हैं, इसका नाम है वॉल्गा आई गेस। काफ़ी अच्छी लोकेशन में, सिटी सेंटर में है, और अभी यहाँ पे आला कारते मेन्यू के बेस, पहले बूफे था वो ख़त्म हो गया, हम थोड़े लेट हो गए, तो अभी हम कुछ मंगाने वाले हैं यहाँ पे खाने में। प्राइसेस ऑलमोस्ट नॉमिनली लग रहे हैं मेरी नज़र, सामने मेन्यू पे भी है, और बाहर देखो एकदम बहुत सारे टूरिस्ट हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग आए हैं। और अभी हम जाने वाले बेताब वैली, बेताब है ना, बेताब वैली, वो मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहते हैं।
और वहाँ पे जाने वाले हैं, और उसके बाद मोस्ट प्रॉब्ली आगे आरू वैली है, वो सेम है, उसमें पानी नहीं है, उसमें पानी आता. सो आई थिंक बेताब वैली इज़ मच बेटर देन आरू वैली. और आगे एक और है चंद्रवारी, वो बंद है आज, मेंटेनेंस चल रही है उन्होंने बताया. सो फ़ायदा नहीं है ना, तो इसलिए हम जाएंगे बेताब वैली और यहीं से फिर वापस श्रीनगर निकलेंगे. सो फटाफट अभी खाना खाएंगे और बहुत टाइम है अपने पास, यहाँ से हार्डली 2-2.5 घंटे लग रहे हैं बाइक में. गाइस हमने मंगवाया है आज मटर पनीर, आज वेजिटेरियन चल रहा है अपना, और गार्लिक नान, और कोक थी वो ख़त्म होगी, सो माउंटेन ड्यू मंगवाने वाले हैं. तो यहाँ पे आके दो चीज़ें बच गई हैं अब, वो ये है कि एक तो है बेताब वैली और एक है बाइसरन. सो बाइसरन है मिनी स्विट्ज़रलैंड आई गेस, कुछ कह रहे हैं बेताब वैली. दोनों में से पूछ के आएंगे अभी हम कि कहाँ जाना है. मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करेंगे दोनों कवर कर लें, बट जो बाइसरन है वो थोड़ा पहाड़ी रास्ता है और उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा. सो हमारे पास टाइम थोड़ा, आज हमने सोचा है कि आज वापस चल जाएंगे तो कमी होगा, तो देखते हैं अभी, फिगर आउट करते हैं, खाना खाते हैं फिर सोचते हैं. सो गाइस अभी हम लोग निकलने वाले हैं बेताब वैली में, और सोचेंगे बाइसरन भी जाएंगे. घोड़ी पर जाएगा सेशन? नहीं जी, शुक्रिया. घुमा के लगा बाइसरन में वही है आते रहते हैं जम्मू से, तो हैं जम्मू से तो हैं. और ये देखो पहलगाम के रोड्स, बेताब वैली यहाँ से 5-7 किलोमीटर है, और बाइसरन निकलेंगे हम लोग. ठीक है, घोड़े से ही जाते क्या बाइसरन के लिए? बेताब वैली जाते हैं नहीं, पहले बेताब वैली जाते हैं, फ्री हो गए तो देखेंगे. असली मज़ा घूमने का तो बाइक पे ही आता है. आज चंदनवारी का रास्ता बंद है, और गाइस पहलगाम में 4 मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट्स हैं. पहला है बाइसरन, दूसरा है बेताब वैली, तीसरा है आरू वैली, और चौथा है चंदनवाड़ी. चंदनवाड़ी जो है वो काफ़ी ज़्यादा सीनिक पॉइंट है और काफ़ी हाइट पे है, जिसकी वजह से वहाँ पे आपको काफ़ी टाइम बर्फ़ देखने को भी मिलेगी. सच बोलूँ तो सारी वैलीज़ जो है मेजरली वो थोड़ी सेम सी ही दिखती है, और अगर आप मनाली गए हो तो आपको तो सब कुछ सेम ही लगेगा लगभग. हम लोग लोकल नंबर की बाइक लेके गए थे पहलगाम, जिसकी वजह से हमें कोई टैक्सेस नहीं देने पड़े. अगर आप नॉर्मली आ रहे हो तो आपको वहाँ पे लोकल टैक्सी करनी पड़ेगी. इवन श्रीनगर वाली टैक्सी भी आप लेके वहाँ पे नहीं घूम सकते, लोकल टैक्सी यूनियन के कुछ रूल्स हैं. सो आपको वहाँ पे लोकल टैक्सी करनी पड़ेगी. सो गाइस फाइनली बेताब वैली पहुँच चुके हैं. यहाँ पे बाइक लगाई है सामने, और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नीचे, इसलिए नीचे लगाएंगे मेरे तो क्या यहाँ खुद में लगाइए, यहाँ से निकल लेंगे साइड में, खुली जगह भाई निकाल दो. जीप कंपस लगाइए किसी ने यहाँ पे. चलिए फिर चलते हैं फटाफट. कार लाना तो ऐसी जगह पे एकदम गुनाह ही है, लानी नहीं चाहिए. अरे आई थिंक उस तरफ जाना है हमें. सो गाइस फाइनली हम लोग हैं बेताब वैली में. यहाँ का टिकट है लगभग 100 रुपये पर एडल्ट, और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें, यहाँ बजरंगी भाईजान मूवी की शूटिंग भी हुई थी, और यहाँ पे एक लकड़ी की कार्ट है उसमें सारे लोग घूमते हैं. और अभी व्यू दिखाता हूँ आपको, टूरिस्ट वाला जो व्यू है ये देखो, ये एक ब्रिज है जहाँ चल रहे हैं, और वो देखो वहाँ पे लोग चिल मार रहे हैं, और ये देखो ये ऊपर रोड है, यही जाता है चंद्रवाड़ी को भी. आज बंद है चंद्रवाड़ी, बट ये व्यू मिल सकता है आपको आज भी. आइसक्रीम खा लेते हैं, और क्या, वो देखो वो जा रहा है लकड़ी वाला, काइंड ऑफ ए व्हीलचेयर वाली फीलिंग पहाड़ों में. आइसक्रीम खा रहे हैं, अच्छी है, ठंड में आइसक्रीम खाने का मज़ा कुछ हो रहा है. एक्चुअली अभी गर्मी है, ठंड भी नहीं है, और ये देखो लग भाई मज़ा आ रहा है, बाकी सब तो सेम ही है लगभग, पहाड़ पानी यही सब होता है यहाँ पे. और मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं बाइसरन को, और ये भी स्विट्जरलैंड वाली फीलिंग है थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा घास के साथ. तो बट बाइसरन के लिए हमें 3-4 घंटे चाहिए, सो हम
उस पर जाके क्या करेंगे मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। पहलगाम से आप लोगों को जाना पड़ेगा, थोड़ा बाय रोड जा सकते हो टैक्सी से, उसके बाद आपको घोड़ा लेना पड़ेगा। घोड़े का यहाँ पे तो रेट 4-5 हज़ार बोलते हैं, बट आप लोग 1200 रुपये में कन्विंस करना अगर हो सके तो, क्योंकि लोकल रेट वही है। और अगर आपकी शक्ल देख के उन्हें लग जाएगा कि टूरिस्ट हो तो फिर वो मानेंगे ही नहीं 1500 रुपये 1200 रुपये में। बट उसके बाद फिर 1 घंटे का हॉर्स राइड है और वो थ्रू दी पाइन ट्रीज, वहाँ गाड़ी नहीं जाती, हॉर्स राइड ही जाती है। फिर 1 घंटा वापस आने में 2 घंटा वो लगा, 1 घंटा आप थोड़ा टाइम पास करोगे घूमोगे उसमें लग जाएगा। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग हैं बेताब वैली में और यहाँ से व्यू बहुत ही अच्छा है। ट्रक का हॉर्न सुन ही रहे हो पीछे से अजीब सा। और यहाँ पे मैं आपको एक 360 व्यू दे देता हूँ कि कैसे दिखता है। अभी आप मेरे साथ देखिए 360 व्यू। बहुत सारे टूरिस्ट हैं यहाँ पे और यहाँ पे टाइम पास करने के लिए भी बहुत कुछ है। टूरिस्ट वाली चीज़ें यहाँ पे हैं, लोग बोलेंगे आपको ये करा देते वो करा देते। थोड़ा रिसर्च करके आओ, ज़्यादा कुछ है नहीं, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है सब कुछ। ये देखो बहुत सारे टूरिस्ट, बहुत सारे पेड़, बहुत सारे पहाड़। और इसके बाद अभी हम लोग मोस्ट प्रोबेबली श्रीनगर वापस जाएंगे। एक चंदरवाड़ी है जगह, वहाँ पे अभी बंद है और सेम ही है, लगभग सेम ट्रेन है सब कुछ, तो इतना दूर जाके फ़ायदा नहीं है। दूर तो क्या 10-12 किलोमीटर है, बट सेम है तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। बीच से नदी और पानी और पेड़ पौधे वही सब है। और बाईसरन है, वहाँ पे भी आज हम नहीं जा रहे हैं। उसका वीडियो आपको देखना है तो अभी देख लो, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ऐसा दिखता है कुछ बाईसरन। और इसमें ये हॉर्स राइडिंग का मज़ा है, 1 आवर थ्रू दी पाइन फॉरेस्ट, जैसे आपको पीछे दिख रहे हैं ऐसे ऐसे इसी में से अगर घोड़े के थ्रू जाओगे तो वैसा वाला है, विदाउट एनी क्या बोलें व्हीकल। और अगर आप आ रहे हो, आपके पास टाइम है तो ज़रूर घूमिए, बहुत अच्छी जगह है। बाईसरन मत मिस करना और बेताब वैली मत मिस करना। इसके अलावा बाकी चीज़ें मिस हो सकती है, पहलगाम खुद में ही बहुत सुंदर है, मेन सिटी वहाँ पे देखोगे तो वही बहुत अच्छा है और जो रोड है वही बड़ा सीनिक है। सो गाइज, अगर आप बैचलर हैं और अगर आप मैरिड भी हैं और आपके बच्चे नहीं हैं तो आप ले जाइए, अगर आपके बच्चे हैं तो आप प्लीज़ कश्मीर आइए, वो ये ज़्यादा पसंद करेंगे, जिनके बच्चे नहीं हैं वो ले जाइए, ऑक्सीजन की कमी। सो क्या कहते हैं, अभी फाइनली हम यहाँ से निकलेंगे थोड़ी देर में, फोटोज़ वोटोज़ देखनी है, इंस्टाग्राम लिंक शो हो रहा है वहाँ पे, सारी फोटोज़ आ जाएंगी। और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लाइक कर दीजिए वीडियो को, आप लोगों के पीछे घूमना पड़ता है खुद के लिए भी मतलब ऑब्वियसली। सो ये फटाफट फोटो खींचते हैं, यहाँ से निकलते हैं फिर और क्या सीधा श्रीनगर। सो गाइस, इट्स टाइम टू बिड गुड बाय टू दी बेताल वैली। बहुत ही अच्छा व्यू था, काफ़ी अच्छी जगह है, बट हम श्रीनगर निकलेंगे। मैंने तो काफ़ी जगह देखी है ऐसी ऐसी, मनाली की तरह ही फीलिंग है मैं सच बोलूँ तो। भाई फटाफट निकलते हैं, टाइम 4:30 हो चुके हैं, मोस्टली 6:30-7 बजे पहुँच जाएंगे हम श्रीनगर अगर सब कुछ ठीक रहा तो। और फ्यूल भी ठीक ही है, लगभग आधा टैंक है ऑलमोस्ट, तो भी फटाफट निकलते हैं। बैठ के लक्ष्य भाई चलते हैं, जल्दी बैठना कोई आ जाए इससे पहले। इस टाइम सारे टैक्सी वाले भगाएंगे क्योंकि उनका लेट चल रहा होगा सिस्टम, उनको अपना व्यू दिखाना होगा सनसेट के टाइम तक और वहाँ से लेट चले होंगे, इसलिए इन लोगों से बच के ही चलना शाम के टाइम। बाकी यहाँ से आपको व्यू दे देते हैं ऊपर से कैसा आता है, ये देखो बहुत ही मस्त व्यू। स्विट्जरलैंड ही समझो, स्विट्जरलैंड ऐसी जगह पे शॉट काफी अच्छे आते हैं, पैसा वसूल व्यू क्या लेना क्या लेना। तो भी गाइस फ्यूल भरवा रहे हैं, वी हैव इनफ फ्यूल टू गो बैक टू श्रीनगर और एक दिन घूम भी लें। अभी 4:49 हुए हैं, यानी कि 5 बजने वाले हैं और लगभग 5 बजे निकलेंगे तो 7:30-7:30 हम पहुंच जाएंगे, ट्रैफिक होगी तो 7:15 तक। और ये देखो ये हमारा POV, ये पीछे पहलगाम सिटी, आगे भी वही है बट मेन सिटी मेन मार्केट वहाँ पर है।